तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि आज मेरी सेकंड क्यू एन ए की वीडियो आ चुकी है। जैसा कि मैंने अभी अभी रिसेंटली ये वाला ट्रेंड स्टार्ट किया था, पहले ही अभी 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी, आज संडे को ही डाल दिया तो बहुत जल्दी आ गया। बट अगली बार से हर संडे ही ये वीडियो आएगी। तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ नए जो कमेंट्स आए उनको पिकआउट किया गया, जिसके बारे में आगे आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। तो ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए कमेंट जरूर करते रहना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स का आंसर जल्द से जल्द मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट आया है वो है मोहम्मद उस्मान अले। ये मुझसे पूछ रहे हैं, भाई सैमसंग गैलेक्सी A32 में वन यू आई 6.0 का अपडेट कब आएगा। ठीक है, एक ने ये पूछा है और एक और ने जिसने भी एक 30 और का, वो भी यही भाई थे, इन्होंने 2 बार कमेंट करके मुझसे पूछा है A32 में वन यू आई 6.0 का अपडेट आएगा कि या नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसा कि सैमसंग ने पहले कहा था कि हम 2 साल का मेजर अपडेट देंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको देंगे। तो ये A30 जो मोबाइल है ये आया था एंड्रॉयड 11 पे। इसमें पहले एंड्रॉयड 12 का अपडेट आया, एंड्रॉयड 13 का अपडेट आया और एंड्रॉयड 14 का अपडेट इसके अंदर आने के चांसेस बहुत कम है। बट अकॉर्डिंग टू रूमर्स और अकॉर्डिंग टू लीक्स इसमें आ सकता है, और अगर आएगा तो जनवरी या फरवरी के अंदर इसके अंदर आएगा, सबसे लास्ट में इसी हैंडसेट पे आएगा। जो कि मैंने अभी रिसर्च करके देखा था तो आने के चांसेस तो हैं बट कोई कंफर्म नहीं है। इसमें सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलता रहेगा 4 साल तक, तो A32 में थोड़ा दिक्कत है। उसी के बाद अनस खान ने मुझसे पूछा था, नहीं क्या नाम है, अनस खान 174 ने मुझसे पूछा था सैमसंग गैलेक्सी A33 5G में वन यू 6.0 का अपडेट कब आएगा। तो दोस्तों वन यू आई 6.0 का अपडेट आपके A33 5G में 100% आएगा, और वो आपका जनवरी या फरवरी के मिड तक आ जाएगा। धीरे धीरे लॉड आउट करना चालू हो चुका है, जैसे कि अभी भी A52 और A52 तक तो आ चुका है और उससे नीचे भी मॉडल्स में आ चुके हैं। तो हो सकता है आपका जनवरी में ही आ जाए, अगर जनवरी में नहीं आया तो फरवरी में आपका 100% वन यू आई 6.0 का अपडेट आ जाएगा। उसके बाद बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, जो पूछा है बलराम मिश्रा बाली CU1WX, उनका ये कहना है कि सैमसंग वन यू आई 6.0 अपडेट करने के बाद मेरे मोबाइल में कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्या मुझे रिकवरी वाइव कैच करना चाहिए। मेरे मोबाइल में यूट्यूब की नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते ही नोटिफिकेशन नहीं दिखता है, एरर आ रहा है बार बार, उसमें सोल्यूशन मुझे बता दीजिए। और मेंबर ऐप में अगर मैं जा रहा हूँ ना तो वहाँ पर भी एडिट पिक नॉट ओपनिंग ऑन डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग में एडिट पिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और सैमसंग थीम ऐप भी क्रैश होता दिख रहा है। तो प्लीज़ यार उसके ऊपर एक वीडियो बनाए, तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो मैं अपने मोबाइल की यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और आपको पूरा पूरा जो भी मैं यहाँ पर करूँगा सब आपको वहाँ पर दिखाऊंगा, कि उनके पास भी लगभग शायद मेरे ख्याल से A52 ऐसी है, जैसा कि उन्होंने मॉडल तो लिखा नहीं है पर सैमसंग वन यू आई 6.0 लिखा है। तो अब मैं यहाँ पर जो करूँगा एक्टिविटी, वही एक्टिविटी आप वहाँ पर ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपका सोल्यूशन वहाँ तक हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ सैमसंग मेंबर ऐप में, उनका कहना है कि एडिटर पिकअप में ऑन कर रहे हैं तो उनका ओपनिंग नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर इजीली चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही और यहाँ पर सब फ्रेंकली यहाँ पर चल रहा है। अगर आपके साथ यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले अपने सैमसंग मेंबर ऐप को अपडेट कर लेना है, और अपडेट करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, अपनी सैमसंग की मेंबर ऐप में जाना है और उसका डेटा को वहाँ पर क्लियर कर देना है। यहाँ पर जाना है आपको ऐप इन्फो पे, ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको जाना है नीचे की तरफ, यहाँ पर मिलेगा आपको फोर्स, यहाँ पर जाना है स्टोरेज में, स्टोरेज में जाने के बाद आपको कर देना है यहाँ पर क्लियर डेटा। क्लियर डेटा करने के बाद आप ऑन करेंगे, करने के बाद इसको ऑन करेंगे तो आपकी काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ऐसी बात करें सेकंड जो आपका आ रहा है कि थीम नहीं चल रही है आपके मोबाइल में, थीम वाली ऐप नहीं चल रही है। तो मैं वैसे थीम यूज़ नहीं करता हूँ, फिर भी मैं आपके सामने एक बार यूज़ करके देखता हूँ। जैसे कि मैं आ गया यहाँ पर, आ गया हूँ मैं सेटिंग पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आ गया डिसेंट में, आ गया हूँ थीम्स पे। अब थीम्स में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये थीम्स वाला जो वो है ऐप है, या थीम्स वाली जो सेटिंग है यहाँ पर इजीली चल रही है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही। वॉलपेपर में मैं चले जाऊँ तो वॉलपेपर भी यहाँ पर दिख रहे हैं, आइकन्स में चले जाऊँ तो वो भी दिख रहे हैं, AOD भी देखूँ तो AOD भी यहाँ पर अवेलेबल है, एंड देन बात करूँ मेन्यू की तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। यही दिक्कत है कि अगर आपने इसको अपडेट नहीं करा हुआ है तो उसको भी आपको अपडेट कर लें। जितनी भी ऐप्स होती है ना ये सब अपडेट करने के बाद ही सही चलती है, क्योंकि वन यू आई 6.0 आने के बाद सबको आपको अपडेट करना होगा, उसके लिए कंपेटेबल करना होगा। तो आपको अपडेट करने के ट्राई करेंगे, आपकी प्रॉब्लम वहाँ पर काफ़ी हद तक सोल्यूशन हो जाएगा। तो थैंक यू। उसके बाद एक ने क्या नाम है सेल्फ सॉल्व वी ब्लॉक 5045,
ये मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था एक्राइव का, गूगल प्ले स्टोर का एक नया फीचर आया था एक्राइव के बारे में बताया था। तो उनका कहना है ऐप टू रिमूव तो नहीं होगी ना, कि एक्राइव में अगर कोई ऐप जाएगी तो वो रिमूव तो नहीं होगी। जो एक्राइव ऐप होती है दोस्तों, वहां पर क्या होगा, एक्राइव की जो ऐप है ना, वो उसका डेटा अनइंस्टॉल हो जाएगा, मतलब आपके मोबाइल में स्टोरेज नहीं रहेगी, बट जो उसके अंदर आपके अकाउंट्स लॉगिन है या फिर जो भी आपका डेटा है वो वहीं तक रहेगा। जैसे कि आप जब भी आप उसको ऑन करेंगे कुछ टाइम बाद भी, तो आपको वहीं से ही ऑन होगा जहां से आपने ऑफ करा है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, मान लो आपने उसको महीने बाद या 2 महीने बाद उस ऐप को क्लिक करा, तो वो ऐप एक बार डाउनलोड जरूर होगी, बट वो रनिंग वहीं से होगी जहां आपने छोड़ा, मतलब कि जैसे ही वो ओपनिंग होती होगी आपका डेटा लॉग इन या जो भी चीज होगी वो सब आपको वहीं से ही मिलेगी। तो ये होती है एक्राइव ऐप, ऐसे ये काम करती है। उसके बाद है ये श्रीकांत डुसीजा 4048, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मेरे मोबाइल में गुड लॉक ऐप का गैलेक्सी स्टोर में नहीं दिख रही है, मैंने उसको सब जगह ट्राई कर लिया, मेरे को वहां पर नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में गुड लॉक की ऐप नहीं दिख रही है गैलेक्सी स्टोर के अंदर, तो ये आपके मोबाइल पे सपोर्ट नहीं करती, इसलिए नहीं दिखती, क्योंकि जिस मोबाइल में ये सपोर्ट करती है तो उसी के अंदर दिखती है। जैसा कि गुड लॉक के अंदर बहुत सारे नए नए मॉड्यूल्स होते हैं, बट वो जैसे कि एक मॉड्यूल है जो कि मेरे मोबाइल में नहीं दिखता, जो कि कैमरे से रिलेटेड है, पर मेरे मोबाइल में नहीं दिखता, पर जो प्रीमियम फोन से सब में अवेलेबल रहता है, तो जो गुडलक वाली ऐप है जिस पर सपोर्ट करती है ना, सिर्फ वहीं दिखती है। अगर आपके पास नहीं दिख रही है तो आपके मोबाइल पे वो रन नहीं करेगी। और उसके बाद बात करें, एक और जी है टेक्निक, क्या नाम है, टेक्निक एम्पायर 563, प्लीज हेल्प, मेरे में 2 वीक से 5G वर्क नहीं कर रहा है। तो भाई ये मुझसे कह रहे हैं कि इनके मोबाइल में 5G वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी जब वन यू आई 6.0 मैंने अपडेट किया, बहुत ज़्यादा नेट स्लो चल रहा था, 5G चल भी रहा है तो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, और चल रहा है तो बहुत बेकार चल रहा है। तो उसके लिए एक सोल्यूशन मैं बताऊंगा, प्रॉपर सोल्यूशन जिसको आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो उसके लिए मैं एक बार अपना यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएंगे। 3 से 4 स्टेप आपको करना है और आपका डेफिनेटली सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के आपको नेट को बंद कर देना है, जैसा कि मैंने बंद कर दिया, आप देख लिया होगा। बंद करने के बाद आपको अपनी कोई सी भी एक ब्राउजर ऐप में चले जाना है। तो लाइक मैं आ गया हूँ, आपको कोई सी भी अपने एक ब्राउजर ऐप में चले जाना है, वहाँ 3 डॉट्स पर जाना है, देन वहाँ हिस्ट्री में चले जाना है। हिस्ट्री में जाने के बाद आपको क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री में करना है, ऑल टाइम ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। ब्राउजिंग हिस्ट्री आप चाहें तो डिलीट करना चाहें तो कर दें, अगर नहीं चाहें तो मत करिए। कुकीज और कैच इमेजेस एंड फाइल को डिलीट कर दीजिए, ठीक है, सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी, सबको आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको करना क्या है, अब वापस जाना है यहाँ सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे की जाना है जनरल मैनेजमेंट में। जनरल मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर रीसेट वाले ऑप्शन पे। रीसेट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर रीसेट मोबाइल नेटवर्क एंड सेटिंग्स पे, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको रीसेट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही जाएंगे वो आपसे अपने मोबाइल का पिन डालने को बोलेगा, आपको मोबाइल का पिन डाल देना है एंड देन रीसेट नेटवर्क सेटिंग को कर देना है। इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, यहाँ से बैक आने के बाद बैक आना है, यहाँ से बैक आने के बाद आपको जाना है यहाँ पर कनेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क पे। मोबाइल नेटवर्क जाने के बाद आपको जाना है एक्सेस पॉइंट नेम्स पे, एंड देन यहाँ पर भी आपको रीसेट टू डिफॉल्ट कर देना है एंड देन इसको रीसेट कर देना है। इसके बाद अब आपको अपने मोबाइल का फ्लाइट मोड को ऑन करना है, फ्लाइट मोड को ऑन करने के बाद और यहाँ से उसको कर देना है वापस ऑफ, ऑन करने के बाद वापस उसको ऑफ कर देना है। अब आप अपना मोबाइल चलाएंगे तो आपकी नेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और मैं आपको अभी चेक करके बताऊँ, अपने मोबाइल की 5G स्पीड चेक करके बताऊँ, तो यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर मैंने अब गो पे क्लिक कर लिया, तो अब आप देख ही सकते हैं इससे पहले बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी यार। कल मैंने एक चीज़ डाउनलोड करी थी 1 GB की, मुझे डाउनलोड करने में 1 घंटा लग गया था 5G की स्पीड में, और अब आप देख सकते हैं स्पीड कितना ज़्यादा फर्क है। तो आप भी इसको ट्राई करेंगे तो आपकी भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 501 MB की डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है, अपलोडिंग स्पीड 32-33 के आसपास ये यहाँ पर आ जाएगी। तो यही कुछ कमेंट्स हैं जिनके मैंने आज आंसर दे ही दिए। ऐसी नई वीडियोस के लिए मुझे कमेंट जरूर करना ताकि मैं और पिक कर सकूं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना और मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।